हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी मेरे थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम बात करेंगे आपके पास आरआरबी से रिलेटेड। जैसा आप सभी जानते हैं कि आरआरबी ने फाइनली अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें उसने अपनी एग्जाम डेट सुनिश्चित कर दी गई है। अगर हम बात करते हैं आपके जूनियर इंजीनियरिंग की, तो जूनियर इंजीनियरिंग की जो एग्जाम डेट है वो 6 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच सुनिश्चित की गई है। तो ऐसे में आपके पास टाइम बहुत कम है, और जब टाइम बहुत कम है तो आप सभी के माइंड में अलग अलग सवाल यहाँ पर उठ रहे होंगे कि बचे हुए टाइम्स को कैसा यूटिलाइज किया जाए कि हम सर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कवर करें। तो सबसे पहला जो यहां पे हमारा सवाल रहेगा वो रहेगा सर आपका सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न्स के बारे में। सेकंडली हम डिस्कस करेंगे कि सीबीटी 1 के लिए बेस्ट नॉन टेक बुक्स कौन सी प्रेफर की जानी चाहिए, और थर्ड हम बात करेंगे कि सर बचे हुए टाइम्स में हम 80 प्लस स्कोर कैसे प्राप्त करें। अगर आप 80 प्लस स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में आते हैं डियर। वैसे तो आपका स्कोर यहाँ पर मोर देन 70 प्लस आना चाहिए, क्योंकि जो आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 है उतना टफ नहीं पूछा जाता है, बहुत ही इजी लेवल होता है। 6 to 10 स्टैंडर्ड के सवाल ही आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं आपके आरआरबी जेई के एग्जाम पैटर्न्स की। आरआरबी जेई का जो एग्जाम पैटर्न्स होता है वो टोटल आपके पास 4 स्टेजेस में कवर करवाया जाता है। पहले स्टेज में आपके पास सीबीटी 1 देना पड़ता है, सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद आपको सीबीटी 2 देना पड़ता है, सीबीटी 2 के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है थर्ड स्टेज में, और फोर्थ स्टेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास सीबीटी 1 की। अगर हम बात करते हैं सीबीटी 1 की, तो सीबीटी 1 में आपके पास टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चंस आपके पास कितने मार्क्स का होता है सर, यहाँ पर वो 1 मार्क्स का होता है, क्लियर है। सेकंडली अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पे टाइम कितना दिया जाता है, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है, यानी कि टोटल 90 मिनट्स दिए जाते हैं। थर्ड जो सवाल बनता है, क्या सर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अलाउड है? जी हाँ, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी अलाउड है। अगर हम बात करते हैं सर सीबीटी 1 में कैलकुलेटर अलाउड है, तो सीबीटी 1 में किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हालांकि बात करेंगे सीबीटी 2 की, तो सीबीटी 2 में आपका कैलकुलेटर अलाउड है, बट अभी हमें सीबीटी 2 के जाना ही नहीं है, अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, सीबीटी 1 को डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन है आपके पास, 90 मिनट्स में कवर करने हैं। आरआरबी में एक ये शर्त भी है कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। जहां पे अगर हम बात करते हैं एसटी स्टूडेंट के लिए 25%, एससी ओबीसी के लिए 30% और जनरल कैटेगरी के लिए 40% होना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं सर कि सीबीटी 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, तो सीबीटी 1 में आपके पास मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। ये जो मैथ होता है आपको, ये भी 6 to 10th लेवल का ही पूछा जाता है, ठीक है, हायर लेवल का मैथ आपसे नहीं पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं सेकंड, तो सेकंड आता है जनरल साइंस, जनरल साइंस के भी 30 सवाल बनते हैं आपके पास, 30 मार्क्स के बनते हैं। यहाँ पे भी जो साइंस का स्टैंडर्ड होता है वो आपके पास 6 to 10th स्टैंडर्ड का होता है, क्लियर है। थर्डली रहता है आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं, और ये भी आपके पास बेसिक लेवल का होता है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही एडवांस लेवल के रीजनिंग आपसे पूछ रहा, बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में आपके पास टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, 15 मार्क्स के लिए होते हैं, ये भी आपको बहुत ही इजी वे में होता है। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, और 90 मिनट्स आपको दिया जाता है, क्लियर है। तो ये तो रहा मेरा सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न। सेकंडली हम डिस्कस करेंगे सर इस सीबीटी 1 के लिए बेस्ट नॉन टेक बुक्स कौन सी रहेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा का पूरा जो सीबीटी 1 हो कैसा होने वाला है, आपके पास नॉन टेक होने वाला है, टेक्निकल पोर्शन उसने बिल्कुल भी टच नहीं किया है, क्लियर है, आपने भी टच नहीं करना भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी सर, आपकी बेस्ट बुक की। तो बेस्ट बुक में सबसे पहले आता है आपका जनरल साइंस। तो जनरल साइंस की यहाँ पर आपके पास वैसे तो 3 बुक्स है, इन 3 बुक्स में से आप कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए कि कम से कम टाइम में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं दिशा पब्लिकेशंस की एक बुक आती है, तो दिशा पब्लिकेशन बुक्स में साइंस में 5000 प्लस क्वेश्चन है, आप उस बुक्स को भी कवर कर सकते हैं। दूसरी अरिहंत की बुक आती है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। और तीसरा है आपके पास जनरल साइंस लूसेंट की। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लूसेंट को कवर करते हैं, और लूसेंट को ही स्टडी कीजिएगा,
क्लियर है। जिन्होंने लुसेंट अभी तक नहीं पढ़ा है, सर कम टाइम है और कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट हो, तो उसके लिए आप इन दो बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। दिशा पब्लिकेशंस की बुक फॉलो कर सकते हैं और एक आप अरिहंत की जनरल साइंस फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं आप 30 में से आप 20-25 स्कोर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है। ये तो जनरल साइंस की हुई है। अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। अब जनरल अवेयरनेस में कुछ पार्ट आपका करंट अफेयर्स का रहता है और कुछ पार्ट आपका जीके का रहता है। करंट अफेयर्स में वो आपसे 5 से 7 सवाल बनते हैं, तो वहीं आपके पास जीके के भी 5 से 7 सवाल पूछता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण आप फॉलो कर सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण आपकी मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो, आप 6 मंथ वाली पढ़ सकते हो, ईयरली पढ़ सकते हो। क्लियर है। इसके साथ साथ आप मैराथन भी लगा सकते हैं। आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स को अगर फॉलो किया होगा तो यूट्यूब चैनल्स में जो भी 6 मंथ की जो भी मैराथन होगी करंट अफेयर्स की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ईयरली वाली कर सकते हैं, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। और अगर हम बात करते हैं जीके के लिए, तो जीके के लिए आपको 3 बुक्स फॉलो कर सकते हैं। अब जो जनरल नॉलेज लुसेंट है उसको पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, तो आप इस बुक को स्किप कर सकते हैं। तो आप इन 2 बुक्स को तो इजिली पढ़ सकते हैं, एक अरिहंत की जीके वाली बुक और दूसरी आप ये वाली बुक पढ़ सकते हैं तरुण गोयल सर की, ठीक है। इन 2 बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने लुसेंट को ही फॉलो किया होगा और लुसेंट पे ही फोकस कीजिएगा अपना, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से मार्क्स दे देगा। उसके बाद रहती है सर रीजनिंग। अब देखिएगा रीजनिंग के लिए भी आपके पास 3 बुक है, एक मास्टर रीजनिंग है, एक आपके पास किरण पब्लिकेशंस की बुक है और दूसरी आपके पास आरएस अग्रवाल की बुक है। अब तीनों बुक्स को तो आप एक साथ कवर नहीं कर सकते हैं। ऐसी बुक्स आपको देखना है कि जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो और प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो, तो इसके लिए बेस्ट है आपके पास किरण पब्लिकेशन। अब किरण पब्लिकेशन में जो आपके पास सेट दिए हैं वो 50-50 क्वेश्चन के सेट दिए हैं, ठीक है। अब बट आज की डेट में जो आपका क्वेश्चन का सेट बनता है रीजनिंग का, वो 25 का बनता है। तो बेशक आप 25 वाला जो सेट नहीं है, अगर वो 50 वाला सेट भी अगर आप कर रहे हो यहाँ पर किरण पब्लिकेशन से, तो आपकी बहुत अच्छी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आप 13,000 प्लस क्वेश्चंस कवर कर पाओगे और 1,000 प्लस कंसेप्ट आप क्लियर कर पाओगे। किससे सर? किरण पब्लिकेशन से। क्लियर है। तो ये भी अच्छी बुक्स है। उसके बाद अगर हम मैथ्स की बात कर लेते हैं, तो मैथ्स में भी आपको देखना है कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। अब देखिएगा मैथ्स में भी यहाँ पे 3 बुक्स है। अब से तीनों बुक्स के लिए तो इतना टाइम नहीं है कि हम इन तीनों बुक्स को कवर कर पाए, तो इसके लिए भी आपको कोई एक बेस्ट बुक्स लेनी है। तो बेस्ट बुक्स कौन सी है आपके पास? वो है सर हमारे पास किरण पब्लिकेशंस। अगेन किरण पब्लिकेशंस में भी फिर मैथ के भी क्या है, 50-50 क्वेश्चन के सेट बने हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। जहां पर आप मोर देन 12,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और मोर देन 2,000 प्लस कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। किससे? किरण पब्लिकेशन से। और अगर आप बात करते हो ये वाली भी आप देख सकते हो, एसएससी वाली मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो राकेश यादव सर की और दूसरा आप आरएस अग्रवाल की, ठीक है। बट बेस्ट बुक यहाँ पे कौन सी है? सर ये वाली किरण पब्लिकेशन, ठीक है। तो आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा मटेरियल पढ़ना चाह रहे हो, मतलब कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाह रहे हो, तो आपके लिए किरण पब्लिकेशन ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके लिए कुछ धमाका ऑफर्स के लिए। आपके लिए हम धमाका ऑफर लेकर आ रहे हैं और ये फेस्टिवल धमाका ऑफर आपके दिवाली तक चलेगा। अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो चाहे जूनियर इंजीनियरिंग हो, चाहे आपके पास एसएससी जेई हो, आपका स्टेट एई हो, आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो ऑनलाइन इंजीनियरिंग के चैनल्स पर और ऑनलाइन इंजीनियरिंग के ऐप पर आप इन सभी कोर्स में अपना इनरोलमेंट ले सकते हैं। ये जो ऑफर है ये लिमिटेड पीरियड्स के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे महापैक की। तो अगर महापैक भी आपको मल्टीपल वैलिडिटी के साथ है, 1 मंथ वाला भी है, 6 मंथ वाला भी है आपके पास, 12 मंथ वाला भी है और 30 मंथ वाला भी। 1 मंथ का अगर हम नॉर्मल प्राइस की बात करते हैं तो 1,999 का है, 15% डिस्काउंट के साथ आपको 1,699 का पड़ेगा। 6 मंथ वाला देखते हैं तो 6,999 का, 15% डिस्काउंट के साथ 5,949 का पड़ रहा है। 12 मंथ का 9,499 का है, बट आपको 15% डिस्काउंट के साथ 8,074 का पड़ रहा है। 30 मंथ का 14,999 का है, डिस्काउंट के साथ 12,749 का है। क्लियर है। उसी तरह से अगर आप स्टेट एई जेई आरआरबी जेई या एसएससी जेई को फोर्थ कर रहे हो, तो ये आपको 3 वैलिडिटी के साथ मिलेगा, 6 मंथ, 1 ईयर और 3 मंथ। 6 मंथ का प्राइस है 2,999 रुपए, अगर 15% डिस्काउंट के साथ देखते हो तो 2,549 रुपए। 1 साल का 4,499 का,
15% डिस्काउंट के साथ 3,824 का, 3 मंथ वाला भी है, 3 मंथ का है आपके पास, 1,599 का 15% डिस्काउंट के साथ आपको 1,359 का पड़ेगा। इसके साथ यहाँ पे हम आपको ESC PYQ और GATE PYQ भी प्रोवाइड करवाते हैं। ESC PYQ जो हमने कवर किया है वो आपके पास 1994 से 2024 तक सारे क्वेश्चन सब किए गए हैं 13 मंथ की वैलिडिटी के साथ, एक्चुअल प्राइस 9,999, 15% डिस्काउंट के साथ आपको 849 का पड़ रहा है। वहीं पे हम बात करते हैं GATE PYQ, 4 मंथ वाला भी है, 1 ईयर का भी है और 3 साल का भी है। यहाँ पे ये 499 का एक्चुअल बट 15% डिस्काउंट के साथ 424 का, 999 का भी है 15% डिस्काउंट के साथ 849 का, एक्चुअल प्राइस 1,199 बट 15% डिस्काउंट के साथ 1,019 का पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी जो GATE PYQ है हमारे 1992 से लेकर आपको 2024 तक सारे सवाल हमने कवर किए हैं, क्लियर है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है वो चाहो तो ESC PYQ और GATE PYQ में भी अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं, और जो कुछ ऐसे स्टूडेंट जो भी RRB JEE को टारगेट करेंगे CBDT 2 तो वो आप इनरोलमेंट ले सकते हैं स्टेट AE JEE, RRB JEE, SSC JEE। यहाँ पे आपको SSC JEE का PYQ करवाया जाएगा, RRB JEE का भी आपको PYQ दिया जाएगा, यूथ पब्लिकेशन का PYQ भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, क्लियर है। तो जल्दी कीजिएगा क्योंकि जो ये ऑफर्स है आपके लिए लिमिटेड पीरियड्स के लिए है, क्लियर है। तो आपको इस पे ही फोकस करना है। अगर आप अभी RRB JEE की तैयारी कर रहे हो CBT 1 तो आपको लिए बेस्ट बुक्स कौन सी थी, उन सभी बुक्स के बारे में भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।